हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड टेट परीक्षा 2024 की हम लोग बात करेंगे और मैं आपको बता दूं, जिनका फॉर्म नहीं भराया जा रहा है तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ही, और जिन्होंने फॉर्म भर लिया है उनके लिए भी ये वीडियो रहने वाली है। आपने क्या गलती कर दी है उसके बारे में बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एग्जामिनेशन पोर्टल रीओपन होगा क्या, जहाँ से आप जो है आपने जो गलतियाँ करी उसे ठीक कर सकते हो अथवा नहीं, और अगर आपने ये गलती करी है तो ये गलती कितना भारी आपके ऊपर पड़ सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप बिल्कुल शांत मन से ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देखना, बहुत ही काम की वीडियो ये रहने वाली है। और मुझे पता है कि जिन लोगों ने मोबाइल से फॉर्म भरा है 90% लोगों के साथ ये इशू आने वाला है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जिन्होंने अपने घर से बैठ के फॉर्म भरा है उनके साथ ये दिक्कत 100% आएगी। अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, देखो सबसे पहले जिन लोगों को जेटेट का एग्ज़ाम देना है, जिनको जो है झारखंड टेट का एग्ज़ाम देना है, मैं उनके लिए क्लियरली बता दूं कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना शुरू किया है, उसे जाकर देख लीजिए। और आज रात को एसएसटी का जो है वो सिलेबस हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। अब देखो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब 1% चांसेस है कि ऑफिशियल सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, देयर इज अ वेरी थिन चांसेस, तो मुश्किल ही है कि सिलेबस आ सके। तो खैर इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं, सिलेबस जब आएगा तो आएगा, अदरवाइज हम लोग 2016 के सिलेबस को फॉलो करेंगे। अब देखिए, वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ गई कि वेबसाइट भी काम नहीं कर रहा है। मैं आपको अभी वेबसाइट खोल के भी दिखाऊंगा, वेबसाइट काम नहीं कर रहा है तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, और किन भाई बहन का जो है वेबसाइट के कारण आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो। देखिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, 110% इसके लिए आप श्योर रहो, अगर वेबसाइट इसी तरह से पिछले 2 दिनों से काम नहीं कर रहा है, अगर इसी तरह से कंटिन्यू ये रहा तो डेफिनेटली डेट एक्सटेंड हो जाएगा, डेट जो है एक्सटेंड हो जाएगा, और आपको जो है एक फ़ायदा मिलेगा कि आप जो है फॉर्म को फिर से भर सकते हो। ठीक है, घबराना नहीं है लेकिन ट्राई करते रहना है। आप देखो, ऐसे ही मुसीबत में आप नहीं फंसे हो, आपकी गलती है कि आपको काफ़ी समय दिया गया था, आप आखिरी समय में फॉर्म भरोगे तो दिक्कत तो आपको आना तय ही था। तो खैर अभी मैं आपके गलतियों को जो है उजागर करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ये सरकार की भी गलती है कि आप इतना टाइम देते हो तो डेफिनेटली लोग जो है बाद में भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको इस वेबसाइट पर आना है, jackranchi.jackjharkhand.gov.in पे आना है, एंड यहाँ पे जो देखो सबसे पहला पोर्टल है इस पे आपको ओपन करना है। एक्चुअली ये दिस इज हाइपरलिंक किसे कहते हैं नीचे कमेंट करके आप बताइएगा, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो और आपको फॉर्म भरने में क्या दिक्कत आ रही है। किसी को फोटो सिग्नेचर में प्रॉब्लम आ रही है तो पिक लिख देना आप, ठीक है, पिक एंड सिग्नेचर। किसी का जो है सेशन नहीं आ रहा है, किसी का सेशन नहीं आ रहा है बीएड का या फिर ग्रेजुएशन का, तो सेशन वाला जो है प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ा है, वही गलती के बारे में मैं ये बात करूँगा आगे भी। अब देखिए झारखंड टेट पोर्टल पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ देखो यहाँ पे बोला गया वेरीफाई यू आर ह्यूमन, आप ह्यूमन हो, ये जो है आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। अब देखो ये विंडो खुलेगी ही नहीं, अब जो है कुछ भी न्यू नहीं आएगा कि यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सको, देखो ये बिल्कुल ब्लैकआउट हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये हो नहीं रहा है, अब देखो इसका एक ही उपाय है, अब मैं हो सके मैं तो रेगुलरली चेक करूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, रोजी रोटी का सवाल है मेरा, तो मैं 2-3 बजे भी जो है ट्राई करता हूँ। अगर किसी भी समय वेबसाइट ओपन होती है, मेक श्योर मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा ओपन हो चुकी है वेबसाइट इज वर्किंग 100%, तो आप लोग जो है फटाफट जाकर के वहां पे अप्लाई कर लेना। तो जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब वीडियो बनेगी तो आपको पता होना चाहिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे ही वीडियो आती है, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं लिंक दे दूंगा, तो ये मेक श्योर सब्सक्राइब, बेल आइकन और टेलीग्राम पे तीनों जगह पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपका फॉर्म रात में ही आप भर सको। अगर आप जगे हुए रहोगे तो डेफिनेटली रात में ही फॉर्म को भर सकोगे। अब देखिए बात आती है कि किया क्या जा सकता है। सबसे पहले जो गलती हुई है, किसी का फोटो सिग्नेचर नहीं आ रहा है तो उनको वेट करना है थोड़ा, और जैसा कि मुझे लग रहा है जहाँ तक मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, तो आपको 2 से 3 दिन का जो है डेट एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, डेट आगे बढ़ेगी एटलीस्ट 2 से 3, ये 5 से 10 दिन भी हो सकता है। ठीक है, ये हुई पहली बात। तो इससे क्या एग्ज़ाम पे जो है इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, झारखंड में तो डेफिनेटली आएगा, ये बिहार नहीं है, बीपीएससी में अगर विंडो ओपन हो भी होती थी तो बाद में जो है एग्ज़ाम तय समय पर ही होता है, बट ये आपको पता है कि ये जैक एग्जाम ले रहा है और झारखंड सरकार यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एग्जाम आपका डेट एक्सटेंड भी हो सकता है, हो सकता है कि चुनाव के बाद भी आपका एग्जाम हो, कोई सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन अभी आप मानकर चलो कि आपका September 2nd week में पेपर होगा, और इसके लिए आप तैयार रहो, अपने आप को तैयार रखो कि एग्जामिनेशन अगर सेकेंड वीक में होता है तो 100% तैयार है और एग्जाम के लिए आप जो है आगे जा सकते हैं। अब देखिए बात आती है कि किनकी गलती हुई, जो थंबनेल में मैंने यहाँ पे लिखा था, वेट अ मोमेंट, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये जो थंबनेल था यहाँ पे, कि ये गलती क्या आपने भी करी है, तो भी मैं आपको अपना फॉर्म दिखा देता हूँ। देखो मैं क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बता देता हूँ, मैंने भी जो है टैब से फॉर्म भरा था, मैंने अपना लैपटॉप यूज़ नहीं किया, जिस वजह से मुझे जो है खामियाजा भुगतना पड़ा है। आई हैव टू वेट टू, आपकी तरह मुझे भी जो है वेट करना होगा,
अब देखिए क्या गलती हुई है, सेशन नहीं आया है, सेशन नहीं आया मेरा वाला भी। अब देखो ये कितनी बड़ी गलती है। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे ना, डीबी में जब आप जाओगे तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा इन फ्यूचर। और जब भी आपकी अगर सहायक एचआर में जॉब लगती है तो डेफिनेटली ये जो है आपके लिए थोड़ा सा हॉन्टेड रहेगा। नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, उसे 2-3 दिनों तक दौड़ा दिया जाता है। कोर्ट में जाइए, कोर्ट एफिडेविट कीजिए, जहां से आप जिस स्कूल से आपने 10th पास किया, तो बहुत तरह की दिक्कतें आती है। तो अगर आपका नाम में डेट ऑफ बर्थ में गलती आ गई तो प्लीज़ दूसरा फॉर्म भर लीजिए, अगर भरने का कोई ऑप्शन दिख रहा है तो। बाद में जॉब लग जाएगी तो आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाओगे। तो इन चीज़ों का आपको जो है टेक केयर करना है। अब देखिए मैं अपना फॉर्म आपको जो है दिखाऊंगा और वही चीज़ें दिखाऊंगा जो जरूरी है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। चलिए फॉर्म को ओपन करते हैं। ना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये जो आपने ये देखो ये वाला फॉर्म है, ठीक है। वेट अ मोमेंट, मैं फिर से दिखाता हूँ। वेट अ मोमेंट, ये हो क्यों नहीं रहा है, देखिए। हाँ, यहाँ से देख सकते हो आप, ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे देखो ये सेशन आपको दिख रहा है ना, ये टाइमलाइन यहाँ पे मिसिंग है। तो ये मैंने मोबाइल से भरा, जिस वजह से ये दिक्कत मुझे आई है। हो सकता है कि ये सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी आया हो। जिन लोगों ने मोबाइल से फॉर्म भरा है उनके साथ, या फिर टैब से फॉर्म भरा है उनके लिए ये समस्या रही है। हो सकता है कि आपके लिए भी ये समस्या रही होगी। तो अब इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, ये जो समस्या, ये सेशन जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये सेशन को यहाँ पे फिर से लाने के लिए सीधा सीधा एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ एडिट। एडिट का ऑप्शन अगर देती है सरकार, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, जैक पोर्टल अगर ये रीओपन करती है, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा पहुँचने वाला है, आप यहाँ से ठीक कर लोगे। अदरवाइज मुझे भी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैंने आपको यहाँ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, देखिए मैं ना 100% ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ जेएसएससी सहायक आचार्य, तो मैंने बिल्कुल आप लोगों को बता दिया कि बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, बिकॉज 2 सेंटर मेरे इतने इतने दूर में थे कि मैं कोई एक भी एग्ज़ाम देने जाता तो दूसरा डेफिनेटली छूटता। तो मैंने बीपीएससी को जो है छोड़ा, अवॉइड किया। और उसी तरह से देखिए ये समस्या मेरे साथ भी आई है। और देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप देखते हो तो वहाँ पे ये सेशन दिख रहा था, बट जैसे ही आप इसको प्रिंट करते हो, 100% पेमेंट वगैरह कर देते हो, तो फिर ये गायब हो जाता है। ये मोबाइल की वजह से हो रहा है, डेस्कटॉप पे किसी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। मेरे दोस्तों ने भरा है और वहाँ पे सेशन जो है दिख रहा है। तो ऐसे में करें क्या, सीधा सीधा है कि आपको वेट करना होगा, दूसरा फॉर्म नहीं भरना है। आई रिपीट, 1300 रुपये लगे हैं। यहाँ पे देखो फी अगर आप देखोगे तो 1300 रुपये, दैट इज़ ह्यूज अमाउंट है ये। कोई 1300 रुपया फिर से नहीं जो है पे कर सकता है। आपको लगेगा कि हाँ लाइफ का सवाल है, 1300 रुपये खर्च कर देंगे, बीएड एमएड बहुत कुछ किया है, तो नहीं करना, नहीं आपको वेट करना है। डेफिनेटली एड का लिंक खुलेगा, और नहीं भी खुलेगा तो दैट इज़ नॉट अ बिग कंसर्निंग थिंग। अगर आपकी जॉब लगती है तो थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, हाथ पैर दौड़ाना होगा, और जो भी काम है वो करना पड़ेगा, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। तो ये चीज़ें होगी तो आप उसको डील करने में सक्षम हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे रहने भी दे सकते हो। तो चलिए वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। अवेयरनेस पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।